बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए देखिए कि मैं किस तरह से मज़ेदार से कतला मा आलू बना रही हूँ, जो कि बनेंगे बहुत ही आसान और झटपट। तो मैंने यहाँ लिया है 1 किलो आलू और उन्हें इस तरह से गोल बारीक काट लिया है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया उसके बीच, और 1 चाय के चम्मच जो है हम लेंगे ज़ीरा। इसके अलावा इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, 1 बड़े साइज़ का प्याज उसे भी इस तरह से गोल बारीक काट लिया है, और 1 टमाटर। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे, 1/2 कप से कम है। और इसमें ये जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच, 1/4 टीस्पून या 1/4 चम्मच जो है मेरी ये है लाल मिर्च क्रश की हुई है, 1 चाय की चम्मच जो है इसमें हल्दी है, और 1 चम्मच जो है हम लेंगे नमक का। तो आइए अब कतलामा आलू बनाते हैं। सबसे पहले कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे कढ़ाई में, और उसके साथ ही हरी मिर्च डाल देंगे, और इसके साथ ही प्याज भी डाल दें। अब यहाँ पर 1 मिनट इसको भून लेंगे। तो प्याज जो है वो सौते हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे स्पाइसेस, और 1 मिनट के लिए इसे भी भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे टमाटर और इसे सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। और यहाँ पर है उसके बाद जो है आलू डाल देंगे, कतलामा आलू, तो ये बारीक काटे हुए आलू जो है वो भी डाल दिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा जो है वो ज़ीरा डालेंगे, हाथ से मसल के ज़ीरा डाल दीजिए, और इसके साथ ही सूखा धनिया जो है वो भी डाल दें। तो ये सूखा धनिया मैं यहाँ पर हाथ से मसल के जो है वो भी डालूँगी। अब इसके बाद जो है हम इसे मिक्स कर लेंगे, तो आलू को यहाँ पर मिक्स करके फिर इसे दम दे देंगे 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद जो है दम खोलेंगे। तो आइए देखते हैं, आलू जो है वो मेरे तैयार हो गए थे, तो मैंने उन्हें चूल्हे से उतार लिया है। अब इसे जो है वो मैं डिश आउट करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। है ना ये मज़ेदार सी आसान रेसिपी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अब आखिर में जो है हम इसके ऊपर हरा धनिया जो है वो डालेंगे, थोड़ा सा गार्निश करेंगे, और हरी मिर्च अगर आप डालना चाहें, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। और मैं जो है यहाँ पर इस पर लेमन जो है स्क्वीज करके ऊपर डालिए। तो इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलती है। तो ये है फाइनल प्रेजेंटेशन मेरे मज़ेदार से कतलामा आलू। चलिए मैं चलती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर होगी मुलाकात आप सबसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।